हेलो दोस्तों वेलकम टू दिस शॉर्ट वीडियो गाइस राइट ये जान के अच्छा लगा कि आप लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं और उसकी तरफ ये आपका पहला कदम है राइट right? यहाँ पे मैं आपको हेल्प करूंगा छोटे से वीडियो में कि कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स अगर हमें पता हो तो हम अपना टाइम काफी हद तक सेव कर सकते हैं और कॉम्पिटिव एग्जाम की तो शुरुआत है लाइफ में अब आप, आप उतरे हो ट्वेल्थ एग्जाम के बाद या इलेवेंथ के एग्जाम के बाद आपने तैयारी करने का सोचा है एक अच्छे कॉलेज में जाना है करियर बनाना है तो एंट्रेंस एग्जाम आपको निकालना पड़ेगा और एंट्रेंस के बारे में हम लोग इतने सालों से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं तो एक बात तो तय है कि मैथ सेक्शन तो रहता ही रहता है उसमें ठीक है ना और मैथ्स रहेगा तो कैलकुलशन बाय डिफॉल्ट रहेंगी ही रहेंगी तो ये छोटा वीडियो आपका एक आई ओपनर जैसा वर्क करेगा आपको बताएगा कि भाई हमें ये चीज स्कूल में सिखाई नहीं जाती इतनी ट्रेमेंडियसली आपके इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं राइट सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं बात कर रहा हूं स्पेशली uh, किसी भी नंबर को फाइव से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है ये फाइव डिवाइड बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव कई बार आता है कई सारे एग्जाम्स में आता है और स्टूडेंट जस्ट बिकॉज उन्हें पता नहीं होता है कि ये भी ट्रिक होती है तो दे जस्ट वेस्ट देयर टाइम एक्चुअली मल्टीप्लाइंग एक्स वाई दैट नंबर बाय बाय और डिवाइडेड राइट वॉट यू कैन डू फाइव बेसिकली फाइव को हम लोग हमेशा एक्सप्रेस करेंगे एज टेन डिवाइडेड बाय टू okay whenever you express 5 as 10 by 2 the things will become very easy for you for example uh, you have to multiply 72 by 5 okay 72 multiplied by 5 instead of multiplying 72 by 5 what you can do is you can replace 5 by 10 by 2 okay so it will become 72 into 10 by 2 and next step could be divide 72 by 2 first and whatever value you will obtain it is easy to half divide by 2 means what halving the number right 72 by 2 means halving that 72 that is 36 so you'll obtain 36 right 36 then later you can multiply it by 10 to get the final answer is 360 okay you understanding what i'm saying so it is replacing 5 by 10 by 2 and operating that division first and then whatever uh, result you'll obtain you'll multiply by 10 later on and you'll get the answer like in no time yeah So take some other number. Uh, let us say 48 multiplied by 5. So it should be in your mind now. कि भाई जैसे हमें 48 को multiply करना है 5 से तो हमने 5 को छोड़ा गायब हो गया 5. 10 by 2 लिखा तो by 2 वाला operation हम पहले करेंगे right? So it would be 48 divided by 2. We all know what is half of 48. That is 24. And 10 से तो multiply कर नहीं रहेगा तो it is 24 into 10. The result will be 240. Isn't it amazing? Okay. Uh, Let's say now you divide a number by 5, for example. not to multiply multiply multiplication is done. Now we are dividing any xY number, any number by 5. Again, we'll replace that 5 by 10 by 2. So the 2 will go now this time at the it will jump to the topmost uh, value. Let's take for example, 144 divided by 5, okay? सो इट इज नॉट दैट कि हम लोग कर नहीं सकते वन को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते ऐसा नहीं है कर सकते हैं और करते ही आए हैं और अभी भी कर ही लेंगे मतलब माय पॉइंट इज 5 को आप रिप्लेस करो बाय 2 से तो नीचे वाला 2 एकदम टॉप पे चले जाएगा राइट right? सो so, 144 फोर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाई टू हो जाएगा करेक्ट और डिवाइड बाय 10 नीचे रहेगा करेक्ट सो व्हाट आई एम सेइंग इज 144 को ट्वाइस करना ज्यादा आसान है बजाय कि हम 144 को 5 से डिवाइड करें सो लेट अस मल्टीप्लाई 144 बाय 2 और सिंपली सेइंग